जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेजर कल्से के यूट्यूब चैनल में। एक हफ्ते के इंतजार के बाद आज हम सब लोग वापस आए हैं मार्च महीने की थर्ड वीक की करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए। आज की करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे 20 मार्च से लेकर 26 मार्च तक की जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके डिफेंस रिलेटेड एग्जामिनेशन के लिए, रिटर्न एग्जामिनेशन हो, भले मेड बी NDA, CDS या फिर आपका CAPF और इट मे बी योर SSB इंटरव्यू, बिकॉज उसमें भी आपका करंट अफेयर्स ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है रिगार्डिंग योर लेक्चर रेट हो, चाहे आपका इंटरव्यू में क्वेश्चंस काफी करंट अफेयर के आते हैं, GDA के टॉपिक्स आपके करंट अफेयर के रहते हैं एंड वेरियस अदर एस्पेक्ट्स जहाँ पे आपका नॉलेज फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू अपग्रेड योर कॉन्फिडेंस लेवल, टू पावर ऑफ एक्सप्रेशन, आपका ग्रुप में कोहेसिवनेस कितना है, डिस्कशन आप कितने लेवल तक कर पा रहे हो, कई इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके करंट अफेयर से मैटर करेंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। आई विल बी कवरिंग बोथ द टॉपिक्स इन द क्वेश्चन फॉर्मेट एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट। तो अगर आपका क्वेश्चन जो पुट अप होंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस पुट अप हो जो सकते हैं किसी टॉपिक से, दैट आई विल बी कवरिंग फर्स्ट, देन वी विल डिस्कस अबाउट द आंसर, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जो अगर मान लीजिए क्वेश्चन किसी तरीके से घुमा के दिया गया या फिर उसके एनालिसिस आपसे मांग ली गई, सो फॉर दैट आल्सो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए किसी टॉपिक से यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस। स्टार्टिंग फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द UPI लाइट पेमेंट ट्रांजैक्शन। इट इज 100 रुपीस, 200, 500 और 10,000, 1000 रुपीस। So the right answer for this will be answer B, that is 200. National Payments Corporation of India, NPCI. Now, यहाँ पे जैसे से मैं lines जिस हिसाब से मैंने format में इसमें रखा है, it is very important for you because उन इस description में से आपके दो तीन question भर सकते हैं। Like for example, what is the full form of NPCI? That is National Payments Corporation of India. Is set to launch UPI Lite, which would enable small value transaction in an offline mode. The upper limit of an UPI Lite payment transaction will be rupees 200 and the total limit of UPI Lite balance for an old device wallet will be 2000 at any point of time. So Lite version UPI ka nikala gaya hai aapka. Now UPI ka full form, write in the comment section, you must know what is the full form of UPI. Iska jo aapka in hand aapke paas maximum limit rahegi for a ट्रांजेक्शन विल बी 200, आपके ऊपर जो अकाउंट बैलेंस होना चाहिए दैट विल बी 2000 रुपीज, उस अकाउंट में मैक्सिमम जो बैलेंस आप रख सकते हैं बिकॉज इट इज अ लाइट वर्जन ऑफ UPI। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS? इट इज नीति आयोग, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ द राइट आंसर विल बी बी, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। The latest periodic force survey PLFS released by the National Statistical Office NSO, which works under the Ministry of Statistics and Program Implementation MOSPI. Now this is also important for you because ye ministry kiske under kaam karti hai, that is Ministry of Statistics and Program Implementation MOSPI. As per the recent PLFS update, India's urban unemployment rate jumped from 12.6% in April-June quarter of 2021 compared to the 9.3% in January-March quarter. Now the quarter word is used here, so you must know ki quarter word ko use kyun kiya ja raha hai, because jabhi bhi koi bhi aapke samne data aate regarding any employment ya fir aapka economy se related ho, usko ek saal ko hum quarters mein divide karte hain. There are four section, teen month ke चार क्वार्टर हमारे बनते हैं, दैट इज जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट इज फर्स्ट, अप्रैल, मई, जून, सेकंड, जुलाई, अगस्त, सितंबर, थर्ड एंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर विल बी द फोर्थ क्वार्टर। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड, किस रेशियो में क्या परसेंटेज जंप हुआ, दैट इज 12.6% हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है एंड इट वॉज 9.3% इन द जनवरी मार्च क्वार्टर। तो ये हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है थोड़ा सा बढ़ चुका है, ये हमारा डेटा जो दिया जा रहा है, दैट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम implementation. So this is important for you. Next comes the third question, that is where was the India-Japan annual summit 2022 held? Kis city mein aapka India and Japan ka annual summit held hua tha? Then the answer will be B, New Delhi. Ye important hai because Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart, that is the Prime Minister of Japan, Fumio Kishida held talks in New Delhi during the India-Japan annual summit. Now is line mein se kya important aapke liye? Who is the Prime Minister of Japan? कहां पे हुआ था दैट मीटिंग वॉज इन हेल्ड इन न्यू दिल्ली। आफ्टर द मीट द इंडियन प्राइम मिनिस्टर अनाउंस दैट जापान इज सेट टू इन्वेस्ट 5 trillion yen और 3.2 lakh crore, मतलब दैट इज येन इज द करेंसी ऑफ जापान, क्रोर इज द करेंसी ऑफ अवर इंडिया। तो 3.2 lakh crore इन द इंडियन करेंसी और उसके अगर आप हम चेंज किया जाए इन द जापानीज करेंसी, दैट इज येन, 5 trillion।
दिस इज जापान पीएम फर्स्ट विजिट टू इंडिया एज हेड ऑफ जापानीज गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए कि उनका फर्स्ट विजिट था कि सेकंड विजिट था, इट विल नॉट कम इन द एग्जामिनेशन, बट जस्ट टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि इंडिया से जो बार बार प्राइम मिनिस्टर चेंज होते हैं बिकॉज उन दोनों में डेमोक्रेटिक है, सो हमारे प्राइम मिनिस्टर बार बार चेंज होंगे, तो टू कीप अ प्रॉपर टाई बिटवीन बोथ कंट्रीज, जब भी कोई भी प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है किसी नेशन का तो उनको हमारे यहाँ पे इन्वाइट करते हैं या फिर हम खुद उनके पास जाते हैं ताकि जो पुराने बॉन्ड्स हमारे थे वो उसी तरीके से आगे भी पीसफुली चलते रहे। सो इट इज अ बिग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम जापान दैट इज 5 trillion years। नेक्स्ट आने वाले 5 सालों में स्लॉट्स के फॉर्म में अलग अलग पार्ट्स में इन्वेस्टमेंट करी जाएगी, बट इट इज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग द। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री हैज डेवलप्ड अ रिलेटिविस्ट क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर RKA विच कैन डिस्ट्रॉय सैटेलाइट्स इन स्पेस। नाउ यहाँ पे जब बात हो रही थी किसी भी कंट्री के मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, हमारे मॉडर्न वॉरफेयर की बात हो रही थी, वी हैव टू टॉक अबाउट टू इंपॉर्टेंट वॉरफेयर दैट इज साइबर वॉरफेयर पहला एंड द सेकेंड इज स्पेस वॉरफेयर। स्पेस में हमारी जो बैटल हो रही रिगार्डिंग सैटेलाइट्स बिकॉज इंफॉर्मेशन का टाइम है, सो इफ सम कंट्रीज सैटेलाइट इज डिस्ट्रॉयड तो उसके लिए काफी बड़ा हार्म हो जाएगा रिगार्डिंग द डेटा एंड द कम्युनिकेशन। सो एक कंट्री है जिसने इसमें प्रोग्रेस करी है, दैट कंट्रीज नेम इज चाइना। चाइना हैज रिसेंटली डेवलप्ड अ माइक्रोवेव मशीन RKA दैट कुड जैम और डिस्ट्रॉय सैटेलाइट इन स्पेस। सो ये दूसरे सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या फिर उनको जैम कर सकती है। द डिवाइस कैन जनरेट अ वेव बर्स्ट मेजरिंग 5 megawatts इन KA बैंड। कितने मेगावाट्स का KA बैंड का उनका जनरेशन होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, दैट इज 5 megawatts इन KA बैंड। किस बैंड में होगा दैट इज कैन बी ऑल्सो बी आस्क्ड रिगार्डिंग योर टेक्नोलॉजी क्वेश्चंस। इट इज अ पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यूज्ड फॉर बोथ सिविल एंड मिलिट्री पर्पसेस। डायरेक्ट एनर्जी वेपन DEW यूज कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी टू डिस्ट्रॉय एनिमी इक्विपमेंट और पर्सनल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ये जनरेट करेगा जिससे किसी भी एनिमी नेशन के सैटेलाइट को या तो वो जैम कर सकता है या फिर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट साइबर वॉरफेयर तो इससे चाइना की जो पावर है वो काफी हद तक बढ़ जाएगी। इट इज ऑलरेडी इन रेस टू बिकम अ सुपर पावर, और जहां तक की डिस्टर्बेंस चल रही है रिगार्डिंग ईस्ट थिंकिंग हो या फिर वेस्ट थिंकिंग हो, रशिया यूक्रेन वॉर से काफी साइट्स हमारी क्लियर हो चुकी हैं दैट चाइना विल सपोर्ट रशिया इन केस, तो अगर कोई डिस्टर्बेंस आता है तो चाइना हैज अपर हैंड रिगार्डिंग दोज कंट्रीज जिनके पास साइबर वॉरफेयर या फिर हमारे स्पेस वॉरफेयर के लिए कोई फिलहाल इक्विपमेंट्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स द 5th question। इंडिया एडवोकेटेड द बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन BTWC एट विच इंटरनेशनल बॉडी। इंडिया ने BTWC को किस इंटरनेशनल बॉडी में एडवोकेट किया, मतलब कि सपोर्ट किया, दैट इज यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। नाउ इफ वी टॉक अबाउट इंडिया एडवोकेटेड द बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन BTWC एट द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, द इंडिया अनाउंस दैट इट अटैचेस अ हाई इंपॉर्टेंस टू द BTWC कन्वेंशन एज अ की non-discriminated disarmament convention prohibiting an entire category of weapons of mass destruction। Now India जो है वो biological और toxin weapons को कहीं ना कहीं restrict करने की बात कर रहा है कि हम इसको favor नहीं करते हैं कि आप इसको promote करो, because India जहाँ तक काफी peaceful country माना जाता है हमारे stands के मामले में, और nuclear armaments हो या फिर biological and toxin weapons हो ये काफी damaging होते हैं, they may or may not give death, बट उसकी जो डेथ होगी वो काफी पेनफुल रहती है बिकॉज आपकी बॉडी में बहुत खराब तरीके के कह सकते हैं कि पार्टिकल्स डाले जाएंगे, दैट इज वेरी हार्मफुल एंड वेरी बार्बरिक इन नेचर। सो दैट्स व्हाई इंडिया का जो स्टैंड है वो इसको लेके सपोर्ट नहीं कर रहा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन हैज बीन अपॉइंटेड टू द UN एडवाइजरी बोर्ड ऑफ इफेक्टिव मल्टीलैटरलिज्म। द फर्स्ट इज रघुराम राजन, बी जयती घोष, सी अभिजीत बनर्जी और डी अमर्त्य सेन। द राइट आंसर इज जयती घोष। इनको अपॉइंट किया गया इन दिस पोजिशन, दैट UN चीफ अनाउंस दैट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू हाई लेवल टू बी कोचेयर्ड बाय द फॉर्मर लाइबेरियन प्रेसिडेंट एंड नोबल लॉरेट, मतलब कि इनको नोबल का पुरस्कार दिया जा चुका है, दैट इज एलन जॉनसन सरलीफ एंड द फॉर्मर स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर स्टीफन लोफेन। तो ये दो हैं उनके साथ कोचेयर करेंगे, ना हमारे इंडिया से जयती घोष रहेंगे, इन तीनों को मिला के, और अपॉइंटेड बाय द UN सेक्रेटरी जनरल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज जाती है रिगार्डिंग द इंटरनेशनल अफेयर्स। नेक्स्ट न्यूज कम्स, द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया लॉन्च द इंडिया एंड द आर्कटिक बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी। तो भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत और आर्कटिक सतत विकास के लिए साझेदारी का निर्माण नीति शुरू की है। इट इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय या फिर विदेश मंत्रालय। सो द राइट आंसर इज ए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। सो द पॉलिसी दैट टाइटल इंडिया एंड द आर्कटिक बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज रिलीज बाई यूनियन
अर्थ साइंसेज मिनिस्टर जितेंद्र सिंह। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे यूनियन अर्थ साइंस का मिनिस्टर कौन है, दैट इज जितेंद्र सिंह। द आर्कटिक पॉलिसी सीक्स टू डीपन द कंट्रीज पार्टनरशिप विद द रिसोर्स रिच आर्कटिक रीजन। इट इंडिया इज वन ऑफ द 13 कंट्रीज होल्डिंग द ऑब्जर्वर स्टेटस इन द आर्कटिक काउंसिल। इट ऑल्सो सीक्स टू स्टडी द लिंकेजेस बिटवीन पोलर रीजन एंड द हिमालयस। तो इंडिया 13 और कंट्रीज है इंडिया के साथ जो कि एज एन ऑब्जर्वर है वहां पे कि आर्कटिक में क्या रिसोर्सेज है, बिकॉज आर्कटिक एंड अंटार्कटिक आर वेरी रिच सोर्सेज, वहां में काफी फ्रोजन एरिया है बट स्टिल द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज फाउंड इज ह्यूज। तो इंडिया जो टाइटल है इसका, द पॉलिसी का टाइटल इंडिया ना आर्कटिक बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसको लॉन्च किया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड मिनिस्टर जो हमारे हैं दैट इज जितेंद्र सिंह। ऑल दिस इन्फॉर्मेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन, द गोल्डन लंगूर is an endangered species native to which country? The golden langur हमारा है वो एक लुप्त प्राय प्रजाति है, वो किस देश के मूल निवासी? Now this question itself is very important कि आपके सामने options दे सकता है कि कौन से animals आपके सामने दे देगा, and he will ask you कि endangered species का नाम बताएं। So the golden langur itself is a endangered species। इंडिया के साथ और किस नेशन में आता है? द ऑप्शंस आर इंडियन भूटान, इंडियन श्रीलंका, इंडियन बांग्लादेश या फिर लाओस एंड कंबोडिया। सो इट बिलोंग्स टू इंडिया दैट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, एंड देन सेकंड कंट्री विल बी योर भूटान। सो जो गोल्डन लंगूर है वो एंडेंजर प्राइमेट स्पीसीज है जो कि भूटान और इंडिया के बाउंड्री में डिस्ट्रीब्यूट होती है। एज पर द रिसेंट स्टडी देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द हैबिटेट ऑफ गोल्डन लंगूर एंड द इंटेंसिटी ऑफ ह्यूमन लंगूर कॉन्फ्लिक्ट इज इंक्रीजिंग ड्यू टू एनहांस्ड ह्यूमन फुटप्रिंट्स इन द हैबिटेट ऑफ द स्पीशीज। किसी स्पीशीज के हैबिटेट मतलब कि जिस रीजन में उसको रहना पसंद है या फिर जो उसकी नेचुरल हैबिटेट है जहाँ पे उसका यू कैन से वो रहता है और प्रोड्यूस बेहतर तरीके से कर सकता है, बट बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस इन दोस रीजन्स उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट काफी बढ़ रहा है और कॉन्फ्लिक्ट से दोनों साइड को काफी ग्रेट डील ऑफ डैमेज होगा। बट इफ वी टॉक अबाउट द एनिमल्स उनका डैमेज ज्यादा होगा बिकॉज वी ह्यूमंस हैव अ थिंक दैट वी टेक वेंजेंस। अगर किसी एक लंगूर ने अगर अटैक किया तो वी गो एंड किल द एंटायर फैमिली। सो अगर ऐसा चीजें हो रही है तो ऑलरेडी इंडेंजर्ड स्पीशीज है, उसमें नंबर ऑफ स्पीशीज में काफी ज्यादा डैमेज आने वाला है। सो टू कंसिडर दैट्स व्हाई दिस न्यूज हैज बीन इन हाईलाइट। तो ये आपके एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। नेक्स्ट कम्स, एन बीरेन सिंह वॉज स्वॉन एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द विच इंडियन स्टेट। किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के रूप में एन बीरेन सिंह जी ने रिसेंटली शपथ ग्रहण करी है? एंड द आंसर इज मणिपुर। एन बीरेन सिंह वॉज स्वॉन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म। द ओथ ऑफ ऑफिस वॉज एडमिनिस्टर्ड बाय मणिपुर गवर्नर ला गणेशन। या दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, पहला मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन रिसेंटली बने फॉर द सेकेंड टाइम, दैट इज एन बीरेन सिंह, एंड हु इज द गवर्नर ऑफ मणिपुर, दैट इज ला गणेशन। इन द रिसेंटली हेल्ड असेंबली पोल्स द भारतीय जनता पार्टी वॉन एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी बाय विनिंग 32 सीट्स इन द 60 मेंबर हाउस। तो जहां भी रिसेंटली आपके इलेक्शन हुए हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज जस्ट एग्जाम्पल फॉर द मणिपुर, बट देर हैव बीन वेरियस स्टेट्स लाइक योर यूपी एंड योर पंजाब एंड वेरियस अदर स्टेट्स जहां पे रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं। सो आपके रिटन एग्जामिनेशन के लिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट विच पार्टी वॉन, हाउ मेनी सीट्स तो नहीं आने वाला, बट विच पर्सन बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट और गवर्नर कौन है स्पेसिफिक स्टेट्स का। अदर देन दैट अगर आपकी SSB आसपास आ रही है, सपोज यू गोइंग फॉर द NDA एंट्री या फिर आपकी FSBA फॉर द FCAT एंट्री, वेरियस एंट्रीज आर ऑन द लाइन, तो अगर आप उनके लिए जा रहे हो तो इट मस्ट बी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपकी स्टेट के बारे में आपको पता हो कि रिसेंटली कैबिनेट अगर आपका बना है स्टेट का तो फिर उसमें चीफ मिनिस्टर कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर, डिफेंस बोल रहा हूँ, एजुकेशन मिनिस्टर एंड योर वाटर मिनिस्टर, ऑल दिस काइंड ऑफ मिनिस्टर्स हैव बीन न्यूली अपॉइंटेड, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है आपका, हु इज द गवर्नर ऑफ योर स्टेट, ऑल दिस इन्फॉर्मेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपके SSB के बारे में बात की जाए तो। इंटरव्यू में आपसे डायरेक्टली इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, दैट इज द व्हेन इज द वर्ल्ड पोएट्री डे। हर साल विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? एंड द राइट आंसर इज 21st ऑफ मार्च। जो विश्व कविता दिवस है वो हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत पहली बार यूनेस्को ने की थी। यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इनकी 30th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस में इन द ईयर 1999। उसमें वर्ल्ड पोएट्री डे को था, वहाँ पे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को, बिकॉज पोएटिक एक्सप्रेशन जो होता है इट इज नॉट जस्ट अ वे ऑफ लाइक रोमेंटिसाइजिंग द आइडिया ऑफ द नेशन एंड एवरीथिंग, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे टू एक्सप्रेस योर कल्चर, योर आर्ट्स एंड इमोशंस। तो अलग अलग लैंग्वेज की जितनी भी पोएम्स हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए द वर्ल्ड पोएट्री डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन मार्च 21।
नेक्स्ट कम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिफेंस एग्जामिनेशन, और डिफेंस एस्पिरेंट जितने भी उनको ऐसा इंटरेस्ट भी इंपॉर्टेंट है उनके लिए. लाइक एक्स डस्ट लेक इज अ जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री. ये जो एक्सरसाइज है आपके सामने एक्स डस्ट लेक की, ये किस किस दो कंट्री के बीच में होती है. लाइक फर्स्ट स्टेट इज इंडिया, इंडिया अपने साथ किस और एक कंट्री के साथ इसको मिलकर इस एक्सरसाइज को अंजाम देता है. द फर्स्ट इज श्रीलंका, फ्रांस, उज्बेकिस्तान या फिर ओमान. एंड द राइट आंसर इज उज्बेकिस्तान. द थर्ड एडिशन ऑफ द जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडियाज एंड उज्बेकिस्तान आर्मीज नेम्ड एक्स डस्ट लेक बिगेन इन उज्बेकिस्तान. यांगियारिक करके एक रीजन है जहां पे हुआ था. सो दिस आर द फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एग्जामिनेशन कि किस रीजन में हुआ था. उज्बेकिस्तान के यांगियारिक में हुआ है. इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच की जो एक्सरसाइज होती है उसको एक्स डस्ट लेक बोला जाता है. इंडिया इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट. रेजिमेंट कौन सा है? ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट ने हम लोग को रिप्रेजेंट किया था. व्हाइल द उज्बेक आर्मी कंटिजेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रूप्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट. The last edition of Dust Lake was held in Uttarakhand's Ranikhet. जो पिछली बार हुआ था वो हमारे इंडिया ने उसको होस्ट किया था. It was held in Uttarakhand's Ranikhet. इस बार जो होस्ट है वो हमारे उज़्बेकिस्तान की आर्मी ने किया है in the region of Yangiyarik. ये काउंटर टेररिज्म पे फोकस करता है सेमी अर्बन टेरेन में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ द बिहार दिवस 2022. Now recently the Bihar Divas has been celebrated. Many of the students from Bihar are joined with us. So I also got a lot of wish. I wish them a lot also. So is baar jo Bihar Divas ki theme thi, wo kya thi? The theme was Jal Jeevan Haryali. And let's 110th Foundation Day on March 22nd ko manate. The day is very important for you. The state of Bihar was carved out from Bengal's presidency on the same day 1912. 1912 mein 22 March ko Bihar ko Bengal presidency se kaat ke alag state ghoshit kiya gaya tha. That day is celebrated as Foundation Day for Bihar. The theme of this year's Bihar Divas is Jal Jeevan Haryali. A 3-day function will be organized on this occasion. With over 18 departments of the state and different organizations would participate. एक ड्रोन शो भी ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें 500 रोज साथ में फ्लाई करते. नाउ यू मस्ट हैव सीन कि कुछ साल पहले इसी बिहार दिवस के टाइम पे एक ह्यूमन चेन बनाई गई थी. दैट वाज आल्सो मेंशन इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड. तो हर साल कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव तरीका लेके बिहार गवर्नमेंट आती है और इस साल को काफी एंथुसियाज्म के साथ वहां के लोग और गवर्नमेंट दोनों मिलकर साथ में सेलिब्रेट करते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ इंडियन ऑल्सो एज एन एज फॉर एज पर एज योर एग्जाम परस्पेक्टिव ऑल्सो. कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which country launched the BRICS Vaccine R&D Center and the Workshop on Vaccine Cooperation? किस कंट्री ने BRICS Vaccine R&D Center and Workshop को on Vaccine Cooperation को launch किया है recently? BRICS मतलब कि ब्राजील, रशिया, चाइना और इंडिया. आपके चार नेशन हो गए BRICS के. तो इन चार में से किस नेशन ने लॉन्च किया रिसेंटली? द आंसर इज आवर ओन इंडिया. इंडिया हैज लॉन्च दिस. यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मनसुख मांडविया लॉन्च द ब्रिक्स वैक्सीन आरएनडी सेंटर. नाउ ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका आर द फाइव नेशन जो मिला के ब्रिक्स नेशन को बनाते हैं. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू जो पहली लाइन आपके सामने दी है कि इसको लॉन्च इंडिया के साइड से किसने किया है. इट हैज बीन लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड हु ही इज डॉक्टर मनसुख मांडविया. ये नाम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज काफी अच्छा काम चल रहा है हमारे हेल्थ और उसमें, और ये बिकॉज ऑफ रिसेंट कोविड के चक्कर में ये वाला डिपार्टमेंट काफी हाईलाइट हुआ था. द ब्रिक्स वैक्सीन आरएनडी सेंटर वाज प्रपोज्ड टू बी सेट अप द पार्ट ऑफ 2018 जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन. 2018 में जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन हुआ था उसके उसी के लाइन में ये नया डिक्लेरेशन था जिसको अब एग्जीक्यूट किया जा रहा है. दिस प्लान, दिस इज नॉट अ न्यू प्लान, इट हैज बीन डिसाइडेड ऑलरेडी इन द 2018. नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द बिम्स्टेक समिट इन 2022? बिम्स्टेक का जो समिट होने वाला है उसमें कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग रिसेंट में, इसलिए बिकॉज चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है उसको काउंटर करने का हमारे जो रीजनल नेशन का क्या कह सकते कोऑपरेशन है, ग्रुप बना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू काउंटर चाइनाज प्रेजेंस. सो द कंट्री दैट इज होस्टिंग इज श्रीलंका. Now the full form of BIMSTEC is the Bay of Bengal Initiative for the Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. BIMSTEC Summit is hosted by Sri Lanka in 2022. BIMSTEC ke jo countries hai, that is Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Sri Lanka, Myanmar and Thailand. Isko yaad karne ka sabse badhiya short form tarika hai, you write MBBS TIN. MBBS TIN matlab M for Myanmar, Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka, MBBS. TIN means Thailand, India and Myanmar.
नेपाल TIN. So these MBBS TIN के formats हैं. BIMSTEC की countries के नाम याद रख सकते हो. There are 7 countries who are in participation. And the full form इसका है Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. Comes the next question, the last question, that is who has been awarded the Able Prize 2022. Prize and awards question recently dekha gaya ki written examination kai baar aa rahe hain aur kafi baar aa chuke hain. So whenever it comes to koi bada prize hai, like recently last wale question news mein maine cover kiya tha. प्राइस के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिसेंटली लास्ट भी कुछ वीडियोस में मैंने कवर किया था, जितने भी क्वेश्चन सबके रिलेटेड रिगार्डिंग प्राइस एंड अवार्ड्स हैं, दोस आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हु हैज बीन अवार्डेड द एबल प्राइस 2022. द फर्स्ट इज डेनिस, सेकेंड इज कर्टिस, थर्ड इज विलियम, और द डी ऑप्शन इज हैल. राइट आंसर इज डेनिस पैरनल सुलिवन हैज बीन अवार्डेड द एबल प्राइस. प्रोफेसर डेनिस पैरनल सुलिवन, ये जो अवार्ड है, ये जो अवार्ड है एनुअली दिया जाता है आउटस्टैंडिंग मैथमेटिशियंस को. सो दिस पर्सन, दिस प्रोफेसर डेनिस पैरनल सुलिवन इज एन आउटस्टैंडिंग मैथमेटिशियन, जिनको अवार्ड दिया गया बाय द नॉर्वेगन गवर्नमेंट इन 2002. एस्टैब्लिश किया गया था ये अवार्ड, एंड इज मैनेज्ड बाय द नॉर्वेगन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स. सुलिवन वाज अवार्डेड द प्राइज फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू टोपोलॉजी, सब्जेक्ट होता है रिगार्डिंग द मैथ्स, एंड इज पर्टिकुलर इन अलजेब्रिक, ज्योमेट्रिक एंड डायनेमिकल एस्पेक्ट्स. तो कुछ पेपर्स पब्लिश करते हैं, वो पेपर अगर सेलेक्ट होता है तो नॉर्वेगन Academy of Science and Letters by Norwegian government established in 2002. ये कुछ दो तीन पॉइंट रिगार्डिंग द अवार्ड जो आपको पता होना चाहिए, और इस साल किनको मिल रहा है, नेम इज डेनिस पैरनल सुलिवन. तो ये 15 क्वेश्चंस जो आपके थे, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू रिगार्डिंग योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू. आपके रिसेंटली एनडीए के एग्जाम्स आने वाले हैं, एफकेट के एग्जाम्स होने वाले हैं, एसएसबी लगातार लगी हुई है. सो जितने भी करंट अफेयर आपके लिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर रिटन एज वेल एज फॉर यू एसएसबी इंटरव्यू. जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट, एज अ वेल लर्न पर्सन ऑल्सो आपके खुद से अंदर से आना चाहिए दैट वी मस्ट बी अवेयर रिगार्डिंग की हमारे आसपास अराउंड वर्ल्ड में चल क्या रहा है, नॉट जस्ट फॉर द एग्जामिनेशन बट ऑल्सो बिकॉज इट शुड कम विद इन यू, बिकॉज डिफेंस की तैयारी, बिकॉज कई बार जैसे मैंने कहा है आप लोग को कि डिफेंस की तैयारी सिर्फ आप एग्जाम क्लियर करने के लिए अगर करेंगे तो आपके लिए मे बी पॉसिबल ना हो, बट इफ यू एंजॉय द होल प्रोसीजर, बिकॉज डिफेंस की जब तैयारी करते हो आप खुद की पर्सनालिटी को ग्रो कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को आप लगातार ग्रो कर रहे हैं, तो ये आपका भी कहीं ना कहीं फायदा काफी ज्यादा हो रहा है. सो विद दिस इन माइंड, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन.